17 साल की उम्र में जब पेरेंट्स यूएस जा रहे थे, तब हर्षल पटेल ने अपने पैशन, अपने गेम के लिए अकेले इंडिया में रहने का फैसला किया। ये कोई छोटी बात नहीं है। उस सिचुएशन में जब आप एक ऐसे रास्ते पे हो जहां कुछ भी श्योर नहीं होता, तब रिजेक्शंस आते ही आप खुद से सवाल करते हो, क्या मेरा डिसीजन सही था या जो पेरेंट्स कह रहे थे वो। लेकिन हर्षल ने हार नहीं माना। करियर में बहुत उतार चढ़ाव आए, ज्यादातर उतार। 10 साल आईपीएल में अपने बेस प्राइस पे खेलने के बाद आखिरकार 2022 आईपीएल में उन्हें डिजर्विंग अमाउंट मिला। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल की कंटेंट पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन मेरे लिए एक मोटिवेशन है टू गिव यू वैल्यू कॉन्टेंट। हर्षल विक्रम पटेल का जन्म 23 नवंबर 1990 को गुजरात के सानंद शहर में हुआ। पिता विक्रम पटेल और माँ दर्शना पटेल जैसे तैसे करके घर में दो वक्त की रोटी का इंतजाम करते थे। हर्षल को बचपन से क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। वो बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग भी किया करते थे। दिन भर गली मोहल्ले में आवारा बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता देख पेरेंट्स ने उन्हें अकेडमी में डालना सही समझा। 8 साल की उम्र में पिता ने हर्षल को कोच तारक त्रिवेदी की अकेडमी ज्वाइन करवा दिया। यहाँ से उन्होंने प्रोफेशनल क्रिकेट के बेसिक्स को सीखा। हर्षल ने अपनी स्कूलिंग हीरामनी स्कूल अहमदाबाद से की। स्कूल क्रिकेट के एक मैच में हर्षल ने दोहरा शतक मारा और बॉलिंग में भी काफी विकेट झटके। साल 2005 में हर्षल अपने पेरेंट्स के साथ अमेरिका चले गए। जैसा कि पेरेंट्स के पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं था और वहां की भाषा भी उन्हें नहीं आती थी, तो उन्होंने ऐसा काम खोजा जिसको वो कर सके और अपने परिवार का पेट पाल सके। तो पिता न्यूयॉर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल सी पर प्राइम फ्लाइट एविएशन के साथ काम करते थे और माँ डंकिंग डोनट्स के शॉप पर। हर्षल ने भी एक परफ्यूम की शॉप पर काम करी। दिन के 12 से 15 घंटे काम करने पर उन्हें $35 मिलते थे। जब फैमिली इंडिया से अमेरिका आ रही थी, तब कोच तारक जी ने हर्षल को इंडिया में रहने देने की रिक्वेस्ट करी। कहा कि लड़के में टैलेंट है, अभी अभी तो एज लेवल का क्रिकेट खेलना शुरू किया है, ये कुछ बड़ा कर सकता है, इसे कम से कम 1-2 साल का मौका तो दें। बड़े भाई और तारक सर की बात को मानते हुए फैमिली ने कहा, ठीक है, समर्स में वो अमेरिका में रहेगा और उसके बाद वो इंडिया चला आएगा और आपके गाइडेंस में क्रिकेट प्रैक्टिस करेगा। इंडिया में हर्षल की परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें गुजरात अंडर 19 टीम में शामिल कर लिया गया। 15-16 साल की उम्र में हर्षल की पेस काबिले तारीफ थी। हर्षल ने अमेरिका में भी अपना क्रिकेट कंटिन्यू रखा। उन्होंने एग्रेसिव क्रिकेट क्लब ज्वाइन कर लिया और क्लब की तरफ से खेलते हुए क्रिकेट लीग न्यू जर्सी 2008 में उनके टैलेंट को लोगों ने देखा और सराहा। इंडिया आने पे उसी साल गुजरात अंडर 19 टीम की तरफ से खेलते हुए 2008-09 वीनू माकर ट्रॉफी में उनका शानदार प्रदर्शन था। टूर्नामेंट के 7 मैच में उन्होंने 23 विकेट्स लिए विद एन एवरेज ऑफ 11, बेस्ट फिगर्स 5/27 अगेंस्ट बड़ौदा। 15 फरवरी 2009 को महाराष्ट्र के अगेंस्ट गुजरात की तरफ से लिस्ट ए क्रिकेट में अपना डेब्यू किया। अच्छे परफॉर्मेंस के वजह से उन्हें इंडिया अंडर 19 टीम में शामिल कर लिया गया। साल 2009 के ऑस्ट्रेलिया टूर पर सीमर फ्रेंडली कंडीशन में उनके बॉलिंग से सेलेक्टर्स काफी इंप्रेस हुए, जिसके बाद न्यूजीलैंड में होने वाले 2010 अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम में उन्हें शामिल कर लिया गया। टूर्नामेंट में उन्हें एक भी मैच नहीं मिला। इसी बीच आईपीएल 2010 में मुंबई इंडियंस ने हर्षल को अपनी टीम में शामिल कर लिया, लेकिन यहां भी उन्हें प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली। डोमेस्टिक लेवल पर उन्हें अपना प्रोग्रेस नहीं दिख रहा था। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी उनका डेब्यू नहीं हुआ। हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन के हेड अनिरुद्ध चौधरी, जो अंडर 19 वर्ल्ड कप के दौरान इंडियन टीम के मैनेजर भी थे, उन्होंने हर्षल से कहा, तुम चाहो तो हरियाणा की तरफ से खेल सकते हो। हर्षल ने हरियाणा की तरफ से खेलने का फैसला किया। हर्षल ने एचए कॉलेज ऑफ कॉमर्स अहमदाबाद से अपनी ग्रेजुएशन कम्प्लीट की। 3 नवम्बर 2011 को हरियाणा की तरफ से अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। सीजन के पहले 5 मैच में उन्होंने सिर्फ 9 विकेट लिए, लेकिन क्वार्टर फाइनल्स और सेमीफाइनल्स में 2 बैक टू बैक 8 विकेट्स लेके उन्होंने क्रिकेटिंग वर्ल्ड को ये बता दिया कि वो बड़े गेम के खिलाड़ी हैं। टूर्नामेंट के 7 मैच के 12 इनिंग्स में उन्होंने 28 विकेट्स लिए विद एन एवरेज ऑफ 21.57। इसके बाद आरसीबी ने उन्हें अपने टीम में शामिल कर लिया। उस आईपीएल सीजन के 12 मैच में हर्षल ने सिर्फ 9 विकेट्स लिए और उनकी इकोनॉमी भी बुरी थी, 8.29। डोमेस्टिक सीजन में हर्षल अपनी टीम के लिए अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन इंडिया में क्रिकेट में अपना नाम बनाने के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस की जरूरत होती है, और ये परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं हर्षल डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। 2015 आईपीएल के 15 मैच में आरसीबी की तरफ से खेलते हुए उन्होंने 17 विकेट लिए। अगले साल 2016 आईपीएल के 5 मैच में वो सिर्फ 1 ही विकेट ले सके। साल 2017 में गिरते परफॉर्मेंस और बेहतर ऑप्शन के वजह से बीच आईपीएल में उन्हें वापस अपने घर जाने को कहा गया। ये हर्षल के लाइफ का सबसे बड़ा रिजेक्शन था।
बीच टूर्नामेंट में टीम से बाहर निकाले जाने पर हर्षल को बहुत बुरा लगा। घर मोहल्ले सोसाइटी में लोग पूछते थे, आईपीएल तो वहाँ चल रहा है, तू यहाँ क्या कर रहा है। ये हर्षल के लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। हर्षल ने अपने एक इंटरव्यू में ये बात कही है कि वो एक चीज को मास्टर करने के बजाय हर चीज को ट्राई करने की कोशिश करते थे, लेकिन उन्हें अब ये बात समझ में आ गई थी कि उन्हें एक ऐसे स्किल को मास्टर करने की जरूरत है जो उन्हें इररिप्लेसेबल बना दे। 2018 आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया, लेकिन आपको अपने सबर का इम्तिहान तो देना पड़ता है। 2018 रणजी सीजन में कप्तान के तौर पर उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। हरियाणा टूर्नामेंट में फिफ्थ पोजीशन पे थी। साल 2019 में इंजरी के कारण वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी नहीं खेल सके और आईपीएल के भी सिर्फ दो ही मैच खेल सके, लेकिन हर्षल को पता था कि उन्हें अपने स्किल पे काम करते रहना है, फल ऊपर वाला जरूर देगा, और फल मिला भी। रणजी ट्रॉफी 2020 के 9 मैच के 17 इनिंग्स में हर्षल ने 52 विकेट्स लिए विद एन एवरेज ऑफ 14.48, मोस्ट विकेट फॉर हरियाणा इन अ सिंगल रणजी ट्रॉफी सीजन, और राजेंद्र गोयल के 36 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। लिस्ट ए क्रिकेट में 5.07 और डोमेस्टिक टी20 क्रिकेट में 7 के इकोनॉमी से बॉलिंग किया। इतने अच्छे डोमेस्टिक सीजन के बावजूद आईपीएल 2020 में हर्षल को अपनी स्किल्स को एक्सप्रेस करने के लिए ज्यादा मैचेज नहीं मिले, लेकिन जब 2021 आईपीएल में आरसीबी ने हर्षल को अपनी टीम में शामिल किया और डेथ बॉलिंग की जिम्मेदारी सौंपी, तब हर्षल ने फाइनली अपने स्किल्स के साथ जस्टिस किया। टूर्नामेंट में अपने वेरिएशंस के वजह से बड़े बड़े बैट्समैनों को धूल चटाया। पूरे सीजन के 15 मैच में उन्होंने 32 विकेट लिए विद एन एवरेज ऑफ 14.34, जिसमें एक पंजा और एक हैट्रिक शामिल था। इस परफॉर्मेंस के लिए उन्हें पर्पल कैप से नवाजा गया, हाईएस्ट विकेट इन दैट आईपीएल सीजन एंड जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर इन एनी सीजन का रिकॉर्ड अब उनके नाम है। आईपीएल के बाद उन्हें 2021 टी20 वर्ल्ड कप के लिए एज ए नेट बॉलर इंडियन टीम में शामिल किया गया। नवंबर 2021 में आखिरकार न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए उन्हें इंडियन टीम की तरफ से कॉल आया। 19 नवंबर 2021 को अपना टी20 डेब्यू किया। डेब्यू पे उन्होंने 6.25 के इकोनॉमी से 2 इंपॉर्टेंट विकेट झटके और मैन ऑफ द मैच भी बने। 2022 आईपीएल के मेगा ऑक्शन में आरसीबी ने हर्षल को 10.75 करोड़ के भारी प्राइस पे अपनी टीम में शामिल कर लिया, और आखिरकार 10 साल अपने बेस प्राइस पे खेलने के बाद हर्षल को वो अमाउंट मिला जिसके वो सच में हकदार हैं। आईपीएल 2022 के अब तक के 12 मैचेस में हर्षल ने 18 विकेट्स लिए विद एन इकोनॉमी ऑफ 7.75। तो ये थी कहानी एक ऐसे खिलाड़ी की जिसने क्रिकेट को अपना सब कुछ दिया, सालों के मेहनत के बाद आखिरकार अब उन्हें उसका फल मिल रहा है। इस कहानी से हम इंडिविजुअल ये सीख सकते हैं कि हमें पहले किसी एक स्किल या फील्ड को मास्टर करना चाहिए। जब हम उसके पक्के खिलाड़ी बन जाएं, तब अपना फोकस किन्हीं और चीजों की तरफ लगाना चाहिए, जिससे आपको कुछ भी खोने का डर नहीं होगा। फिर आप और अच्छी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे। लाइफ में आपको डिलेड ग्रेटिफिकेशन प्रैक्टिस करना चाहिए, और कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हर्षल पटेल ने भी ये किया होगा। अब ये क्या होता है गूगल करें और नीचे कमेंट में समझाएं। तो हम लोग प्रे करते हैं हर्षल यूं ही अपने वेरिएशन से बैट्समैन को आउट करते रहें और इंडियन टीम के लिए फ्यूचर में एक एसेट बन के उभरें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनों का।